हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन को करना कंपलसरी है और हर एक क्वेश्चन के जो है मार्क्स उसके सामने दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले का ए जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स है। ये जो है क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिन्हें ये खाली स्थान में भरना है। तो हम पहले में भरेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, दूसरे में भरेंगे पीरियोडिक, तीसरे में भरेंगे एनर्जी, चौथे में भरेंगे वैक्यूम और लास्ट वाले में भरेंगे आइस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो नीचे के साइड आपको आंसर भी हमने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले का बी, हाउ आर वी डिफरेंट। तो ये पूछा गया ये दोनों डिफरेंट कैसे है, ऑसिलेटरी मोशन एंड लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है, और दूसरा पूछा जा रहा है लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन में क्या डिफरेंस है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, ऑसिलेटरी मोशन और लीनियर मोशन का डिफरेंस जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ना, और लीनियर मोशन और रैंडम मोशन के बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले का सी, मैच द कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, जिसको मिलाना है, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है, अप्लाइंग अ ब्रेक टू द साइकिल को मिलाएंगे फ्रिक्शन फोर्स से, हिंज जॉइंट को मिलाएंगे नी से, गैलेक्सीज को मिलाएंगे स्पाइरल से और सैटर्न को मिलाएंगे 33 सैटेलाइट्स से। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है वर्ड गलत है, उसको फिर सही करके हमें राइट करना है नीचे। तो देखिए पहला देखते हैं इसमें क्या वर्ड है गलत है। तो वेनस इज द प्लेनेट क्लोजेस्ट टू द सन। तो वेनस नहीं होता है, मरकरी होता है क्लोजेस्ट। तो यहाँ वेनस के जगह हम जो है मरकरी रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ जो करेक्ट किया उसे स्काई ब्लू कलर से दिखाया, उसी तरह दूसरे में जो है अट्रैक्ट के जगह रिपेल होना चाहिए और तीसरे में मरकरी की जगह जुपिटर होना चाहिए और लास्ट वाले में सेंटर की जगह पोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है नीचे करेक्ट किया हुआ आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का बी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स। तो स्टार और प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर हमने देख लीजिए बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इनमें से कोई भी 3-4 आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सी, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके स्किन का क्या काम है। तो उसका आंसर यहाँ पे है, तो स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और हमारे मॉइस्चर को प्रिजर्व करता है, विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। तो ये काफी सारे इसके फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें और हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी के बचे 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और जिसका आंसर यहाँ पे लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन, व्हाट कॉजेस द डिफरेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और उसके रिफ्लेक्शन के बीच में डिफरेंसेस पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस दिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th का बी, इसमें पूछा है व्हाट इज अ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो वे मैग्नेट जो है अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जो है परमानेंट रखते हैं, यानी कह सकते हो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती है, उसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 के बी में 2 क्वेश्चन और हैं ये, और जिसका आंसर यहाँ पे है। तो इसमें जो है दूसरे में पूछा रहा है कि जो है हम क्यों केवल मून की एक साइड को ही देख पाते हैं, दूसरे साइड को क्यों नहीं देख पाते हैं, जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच प्लेनेट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर, तो जिसका आंसर यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा साइंस का जो है पेपर।